नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरती हुई शिक्षा के स्तर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दे पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्य में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल संचालकों और शिक्षकों से आइए दिखाते की गई बातचीत। स्कूल मेरा महाराणा प्रताप मिडिल स्कूल है। मेरा नाम यश कुमार राघव है और यहाँ स्कूल का संचालक हूँ और प्रिंसिपल का भी कार्य मैं ही देखता हूँ। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हम सभी को प्रयास करना पड़ेगा। अकेले टीचरों से या शिक्षकों से बात नहीं बढ़ेगी, समाज भी प्रयास करेगा, अभिभावक भी प्रयास करेंगे, तभी शिक्षा का स्तर सुधर सकता है। आज के टाइम में क्या है कि शिक्षा देने के लिए एक तरफ से शिक्षक पूरी कोशिश करते हैं, अभिभावक उन बच्चों को टाइम नहीं दे पाते और अभिभावक अपने कार्य में इतने बिजी हैं, जॉब में या उसमें पैसे की तरफ जो वो है उनका रुझान, तो उससे वो समय उनको प्रॉपर दे नहीं पा रहे। जब तक हम प्रॉपर उनको समय नहीं देंगे बच्चों को, जब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधर सकता। इसमें सभी को थोड़ा थोड़ा सा अपना अपना योगदान है कि जैसे अभिभावक हैं वो उनको ठीक से संस्कार नहीं दे पा रहे। जैसे हमारी पुरानी पद्धति थी उसमें संस्कारों की बड़ी वो थी, गुरु शिक्षक का बड़ा मान सम्मान था, गुरु की बड़ी, गुरु को सबसे ऊपर माना जाता था। आज के सतर जो है शिक्षा का, उसमें गुरु की कम पूछ है, कम लोग उसको वो करते हैं। पहले दूर से ही बच्चे देखते ही पैर छूते थे, चले जाते थे, डरते थे, उनको सवाल क्वेश्चन पूछते थे तो उनको बताते थे। अब क्या है कि अब जो है पेरेंट्स उसको उतना नहीं करता है और कोई बात होती है तो तुरंत उसके ऊपर हावी हो जाता है, जिससे बच्चों पर भी गलत प्रभाव जाता है इसका। अभी तो जैसे पश्चिमी देश हैं उनमें इस तरह की चीज़ें चलती हैं, अपने यहाँ जो है नहीं चलती है, तो उसको अभी इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं और गलत चीज़ की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। मैं अपने स्कूल के विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि वो सभी जो समाज के बड़े लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं या माता पिता हैं, सभी का सम्मान करें और उनको जब सुबह स्कूल आते हैं तो उनके पैर छू के आए और उनसे एक आदर्श की तरह उनका ये प्रेरित है। खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।